भैंसासुर बिहार शिव से बोल रहा हूँ। आज कोरोना वायरस के कारण समूचा विश्व परेशान है। आप लोग की पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो गई है। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए मैं आप लोगों से सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ना चाहता हूँ। ऐसे तो आप लोगों को इतना याद आता है कि आपसे हम कैसे मिलूं, तो आपके पढ़ाई के लिए हमने सोचे हैं YouTube पर कुछ वीडियो डालकर आपके भविष्य उज्जवल करें और यह कोई नया बाधाएं नहीं है। भौतिकी के जनक अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन 1661 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़ने गए और 1665 में वहां प्लेग महामारियां हो गई, तो उनको एक वर्ष के लिए अवकाश छुट्टी मिल गया। वह घर आके बैठे उदास रहने लगे। अचानक एक दिन बगीचा में सेब नीचे गिरा। उन्होंने सोचा सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसके आधार पर 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया और 1686 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के तीनों नियम का वर्णन किया। अर्थात उस उदासी में सक्सेस छिपा हुआ था। इसलिए आप लोग उदास नहीं होइए, स्कूल जरूर खुलेगी और फिर से उसी तरह पढ़ाई चलेगी, लेकिन इस समय जो आप बैठे हुए हैं तो केवल सोशल मीडिया द्वारा YouTube पर सुबह सर 10th क्लास सर्च करिएगा तो आपको हम अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। और इसी शब्दों के साथ, अगर मास्क नहीं है तो बिहारी गमछा लगा करके इस तरह से बाहर निकलिए और सरकार का नियमों का पालन कीजिए। उसके बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी का हेल्प कीजिए और जब सरकारी विद्यालय खोलने का आदेश देंगे तब हम आप उपस्थित रहेंगे।